This conference will now be recorded. एक मिनट है। हो सर। सभी को अभिवादन, नमस्ते। हम लोग चरक का अध्याय 20 ले रहे हैं। ये नानात्मज व्याधियों का अध्याय है और इसमें हमने श्लोक क्रमांक 12 में ये देखा कि नानात्मज व्याधि में नानात्मज कहने का अभिप्राय शुद्ध वातज, शुद्ध कफज, शुद्ध पित्तज व्याधि जो और कोई नहीं कर सकता, वो कोई नहीं कर सकता अन्य कोई, ऐसे व्याधि। और उसके फिर हमने लक्षण बताए आत्मलक्षण, और कुपित होकर संशय करने के बाद होने वाले लक्षण, उनका भी वर्णन उन्होंने श्रौंश भ्रंश वेधस्वाप साधरुक्तोद भेदनम संगांग भंग संकोच वरत हर्षण तर्षणम इत्यादि लक्षणों के साथ किया है। और ये लक्षण हर व्याधि में नहीं होंगे, स्थानानुरूप होंगे। जैसे वर्टिब्रल कॉलम में होना है पीढ़ की हड्डी में, तो श्रौंश भी हो सकता है, भ्रंश भी हो सकता है, थोड़ी सी चकत्ती बाहर आ गई श्रौंश है, अस्थियों में अंतर बढ़ गया ये भी भ्रंश श्रौंश में आता है। इस प्रकार आंखों में आंख एक और चली गई, भ्रंश हो गया, दक्षिण की ओर गई या तो वाम की ओर गई, भ्रंश हो गया। ऐसे अपने स्थान से किंचित या बड़ी मात्रा में चलित होना ऐसा हो सकता है। और जैसे एक स्थान में जितने अवयव है उनमें से किसी भी अवयव का व्याधि अनुक्त में आ सकता है। जैसे हमें पक्षवत पता है, लेकिन अब पक्षवत ये एकांगवत है, कोई एक अंग जाना, दो में से एक जाना ऐसे। और कभी कभी अवयव एक ही होता है और उसमें हो जाता, तो उसको भी एकांगवत कहते हैं। जैसे वोकल कॉर्ड का पक्षवत हो गया, स्थानानुरूप है, उसका नाम कुछ देंगे हम, कंठध्वंस कहेंगे। ऐसे इन नामों के आधार पर, इन स्थानों के आधार पर इसमें कर्म में विकृति हो सकती है। वर्त इसमें श्रौंश भ्रंश वेद स्वाप भेद साध हर्ष तर्षणम ऐसे जो है ये सब, और इनके साथ साथ वात वृद्धि के लक्षण जो अपने खुद के हैं, खर पुरुष विषद सुशीर अरुण कषाय वर्ण विरस मुख शोष शूल सुप्ति संकोच स्तंभ नखदिन नखंतादिनाम च
रौख्य पारस्य इत्यादि, ये अब जो दूसरे लक्षण बताए हैं रुक्षादि खर पुरुष विशद सूक्ष्मशिर अरुण वर्ण कषाय वर्ण कषाय रस विरस मुख शोष शूल सुप्ते संकोच आदि जो लक्षण है वायु के, इनमें से गुणात्मक लक्षण जो है खर पुरुष विशद और अरुण वर्ण ये व्यापक होते हैं, शरीर व्यापक होते हैं। क्यों? व्यापक और एक स्थानीय इसमें फर्क है। जब शरीर में वात वृद्धि होती है यानी रुक्षादि गुणों की वृद्धि होती है तो शुद्ध वात आदि में एक जगह नहीं होगी, सर्वत्र होगी, न्यूनतम कम से कम या अधिक हेतुओं के बल के आधार पर न्यूना अधिक होगी, लेकिन वो सर्वत्र होगी। किंतु देह रुक्ष हो गया, धातु रुक्ष हो गए, पुरुष विशद हो गए हैं, और इस अवस्था में जहां पर रसवह के माध्यम से बहने वाले व अन्य स्रोतों से बहने वाले दोषों के व धातुओं के अणु रुकेंगे, वहीं पर व्याधि होगी, अन्यथा व्याधि नहीं होगी। इसलिए वो व्याधि जब होती है तो स्थानीय होती है, स्थान संशयित अवस्था ये व्याधि का मूल व्याधि का व्यक्त ये दूसरा स्तर है। पहले दोष प्रकोप हुआ है ये भी व्याधि है, एक कुपित दोष के का दोष में यहां पर स्थान संशय कर दिया ये द्वितीय व्याधि है, ये संप्राप्ति स्थान संशय व्यक्ति और भेद इस अवस्था में जो आता है ये स्वतंत्र एक स्थानीय व्याधि बनता है। लेकिन जैसे अब शंस हुआ, शंस पीठ में हुआ, गर्भाशय में हुआ, किंतु रुक्षादि गुण भूतव लघु परुष विषद शीत इन गुणों का प्रभाव पूरे शरीर में दिखेगा। स्थान संशय गर्भाशय में हुआ है, स्थान संशय वर्टिबल कॉलम में हुआ है, स्थान संशय हृदय में हुआ है, वहां वहां व्यक्ति के लक्षण हो गए, स्थान संशय के लक्षण हो गए। जहां स्थान संशय होगा वहां लक्षण हो गए और रुक्षादि गुण पूरे शरीर में हो गए, रौक्ष पारुष्य वैशद्य ये लक्षण पूरे शरीर में हो गए। ये नानात्म व्याधि की विशेषता है। नानात्म व्याधि ये शुद्ध वातज व्याधि है, इसमें हेतु अपने खुद के होंगे और उन हेतुओं को बन करने के बाद उनके विपरीत चिकित्सा करने से वो शांत होंगे, ये नानात्म व्याधि है। ये अंतर है दो में, सामान्य जी में। अब दूसरा विषय समझने के लिए कि यही व्याधि जैसे अर्जित शूल
स्तंभ ग्रह सुप्ति यही व्याधि, लेकिन जब ये किसी अन्य दोष के संसर्ग से बनती है संसृष्ट होकर बनती है तो व्याधि सामान्य जगह आ जाती है, वो नानात्मज नहीं रहती। यानी अर्जित भी हो, अर्जित वायु के अपने हेतु से हुआ वो नानात्मज है, वो संतर्पणों के हेतु से आमोद प्रदोष से श्लेष्मावरण से पित्तावरण से हुआ ये हुआ सामान्य जगह। ये परतंत्र वात प्रकोप है। तो सामान्य व्याधि में जो वात व्याधि बद स्वाप ये लक्षण बताएंगे स्थानानुरूप, इनके हेतु खुद के होंगे और वहां पर फिर बाह्यमान पदार्थ जो कि कुपित नहीं है प्राकृत है अथवा क्षीण है उनका स्थान संश्रय होगा और ये नानात्मज व्याधि होगा। और जब ये व्याधि अन्य दोषों से संसृष्ट होता है और व्याधि बनता है तो उसको ये व्याधि अब शुद्ध वात जो नहीं रहा वातज है, वातज है निश्चित, लेकिन यहां पर वात प्रकोप परतंत्र होता है। यानी जो व्याधि वायु के विकृति के बिना हो नहीं सकते ऐसे व्याधि दो प्रकार के होंगे, एक स्वतंत्र वात प्रकोप और दूसरा परतंत्र वात प्रकोप से हो गए। अब इस अध्याय का अधिकरण, इस अध्याय का अधिकरण शुद्ध वात व्याधि का है, परतंत्र दोष प्रकोप वात प्रकोप का नहीं है। ये अध्याय शुद्ध पित्त प्रकोपज व्याधि का है, परतंत्र वात प्रकोप पित्त प्रकोप का नहीं है। ये अध्याय इस अध्याय में दिए हुए नानात्मज कफज व्याधि स्वतंत्र श्लेष्मा प्रकोप के है, परतंत्र के नहीं है। इस बात को समझना है। कहने का अभिप्राय यह है कि वात दोष के व्याधि पित्त दोष के व्याधि श्लेष्मा दोष के व्याधि जब स्वतंत्र दोष प्रकोप से होते हैं तो उनको नानात्मज कहा जाता है और वे अपनी स्वयं की चिकित्सा से शांत होते हैं। और जब वही व्याधि यही पक्षवत यही उरुस्तंभ यही अर्जित यही वृद्रोग जब परतंत्र दोष प्रकोप से होता है वात प्रकोप से या पित्त प्रकोप से या परतंत्र श्लेष्म प्रकोप से होता है तो वो व्याधि वातज होते हुए भी वो परतंत्र वायु का है, परतंत्र पित्त का है, परतंत्र श्लेष्मा का है। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं कि अद्वश्यन्ति कुशलाः, बारहवें श्लोक में ऊपर से चौथी लाइन अद्वश्यन्ति कुशलाः, कि कुशल शब्द इसलिए आया है, क्यों आया है ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे। ये कुशल इनके लिए है कि जो
इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। वात व्याधि तो है किंतु वो स्वतंत्र है, अपने हेतु से बना है, ये समझते हैं। और वो व्याधि नानात्मज है, यानी केवल वायु से हुआ है, केवल पित्त से हुआ है, केवल शुद्ध श्लेष्मा प्रकोप से हुआ है। इस बात को समझना है। अध्यवस्यन्ति कुशलाः, और इस अध्याय का अधिकरण, इस अध्याय का अधिकरण शुद्ध वातज नानात्मज व्याधि, शुद्ध पित्तज नानात्मज व्याधि और शुद्ध कफज नानात्म्याधि का है। जो व्याधि आवरणजन्य वात प्रकोप के हो गए, जो व्याधि परतंत्र पित्त प्रकोप के हो गए, जो व्याधि परतंत्र श्लेष्म प्रकोप से हो गए, उनका ये विवरण नहीं है, वे इनसे भिन्न है। हैं वातज है, पित्तज है, कफज है, लेकिन इनसे भिन्न है। इसलिए यहां पर जो चिकित्सा क्रम दिया है, अब वो पढ़ने वाले हैं, वो शुद्ध वातज का है, अभी पढ़ेंगे हम। और उसमें ध्यान कहाँ देना है वो बताना मेरा आज का कार्यक्रम का विशेष विषय है, ध्यान कहाँ देना है। अब इसलिए अब हम चिकित्सा पढ़ेंगे, पढ़ो। तम मधुर आम्ल लवण स्निग्ध स्निग्धोष्णई उपक्रमई उपक्रमेत स्नेह स्वेद आस्थापन अनुवासन सत कर्म भोजनाभ्यंग उत्सादन परिषेकादि वातहरै मात्रा कालम च प्रमाणीकृत्य तत्र अस्थापन अनुवासन। बस बस पढ़ो पढ़ो तू खलु वाचु सर। वाच तू सर्वत्र सर्वत्रोपक्रमेभ्यो वाते प्रधानतमं मन्यन्ते भीषजः तद्धि आदित एव पक्वाशयम् अनुप्रविश्य केवलं वैकारिकं वातमूलं छिन्नन्ति तत्र अवजिते अपि वाते शरीरांतर्गत वातविकाराः प्रशान्तिम् आपद्यन्ते यथा वनस्पते मूले छिन्ने स्कंद शाखा प्ररोह कुसुम फल पलाशादीनां नियतो विनाशस्तद्वत्। अब यहां पर आप देखेंगे कि चिकित्सा का क्रम कैसा है। मधुरम आम्ल लवण स्निग्ध उष्ण उपक्रम ही उपक्रमेत, और ये उपक्रम कफावरुण जन्य वात व्याधि में नहीं दे सकते। यह उपक्रम आमावृत वायु में नहीं दे सकते हैं। यह उपक्रम परतंत्र आम प्रदोषज पित्त प्रकोप में नहीं दे सकते हैं। ये मेदावृत वायु में नहीं दे सकते हैं। ये ध्यान में लेना है, यानी ये वर्णन केवल शुद्ध वात प्रकोप के लिए है, अन्य के लिए नहीं है। यदि वात प्रकोप से व्याधि हुआ है, शूल शोत सुप्ति वर्त आदि लक्षण है, किंतु अपने खुद के हेतु नहीं है, वहां पर हेतु अजीर्ण जन्य है, वहां हेतु दिवास्वाप जन्य है, श्लेष्मा वृद्धि है, वहां हेतु संतर्पण जन्य है, मेदो वृद्धि है, मेदावृत है, ऐसे स्थानों पर ये चिकित्सा कतई काम नहीं करेगी, कतई नहीं करेगी।
ऐसा ग्रंथकार साफ साफ रूप से आपको समझाते हैं। वातव्यादि है निश्चित, किंतु अपना कौशल्य यह है, क्या इसको अपने खुद के हेतु है तो ये चिकित्सा करेंगे। यदि वात प्रकोप को अपने खुद के हेतु कम से कम है और अन्य हेतु ज्यादा है, ये चिकित्सा नहीं चलेगी। ये ध्यान में लेना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही अनिवार्य है, अन्यथा गलती हो सकती है। मैं ये संदर्भ के साथ आपको बता रहा हूं। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 8 श्लोक नंबर, शायद मैं बताता हूं तब तक आप अध्याय निकालिए। बावीस नंबर का सर, तो एक मिनट है भक्तों में का है 22 नंबर का, हाँ 24 नंबर, एक मिनट। एवं अन्यानापि व्याधीन है का सर? नहीं, त्याच्या पुढचा। हाँ तदर्थकारी वा, हाँ त्याच्या पुढचा, हाँ तदर्थकारी वा, बरोबर आहे। हाँ तदर्थकारी वा पक्वे, तदर्थकारी वा पक्वे दोषे विद्धेच पावके हितम अभ्यंग अभ्यंग अंजन स्नेह स्नेहपान वस्त्यादिम युक्तितः। देखिए ये अध्याय आम प्रदोष का है और इस अम प्रदोष से वात पित्त श्लेष्मा सभी, अब यहां अधिकरण वायु का, इसलिए वायु का विचार करेंगे। वायु अमावरण से यदि दुष्ट होकर व्याधि करता है, लक्षण वायु के है, कर्म वायु के बिगड़े हैं, अपने हेतु नहीं है, अध्यसन है, अजीर्णासन है, विषमासन है, विरुद्धासन है, आमदोष है, आमलक्षण है, अजीर्ण है, अजीर्ण के लक्षण है और वातव्याधि है। ऐसी अवस्था में ग्रंथकार क्या कह रहे, देखो पक्वे दोषे, दोष पक्व हो गए हैं, धातु पक्व हो गए हैं, यानी निरामावस्था आ गई है। तू इद्धेच पावके, अग्नि प्रदीप्त हुआ है, इतना होने के बाद आप वायु के शमन के लिए तदर्थकारी यानी विपरीतार्थकारी, व्याधि विपरीतार्थकारी और हेतु विपरीतार्थकारी अभ्यंग अंजन स्नेहपान बस्ती आदि कर सकते हो, उसके पूर्व नहीं करेंगे। इसलिए यदि वात व्याधि के लक्षण है तो कुशल व्यक्ति ये देखेगा कि क्या इस वात प्रकोप के लिए वायु के स्वयं के केवल हेतु है या संतर्पण जन्य हेतु भी है और अपतर्पण जन्य हेतु भी है।
यदि दोनों ने मिलकर ये व्याधि किया है तो ये व्याधि शुद्ध वात जो नहीं है और यहाँ पर मधुर अम्ल लवण बस्ती स्नेह ये नहीं चलेगा। यहाँ इसलिए यह अधिकरण इस सूत्र का सूत्र क्रमांक 16 का चरक सूत्र स्थान अध्याय 20 के सूत्र क्रमांक 16 का चिकित्सा का अधिकरण शुद्ध वात व्याधि है, अन्य नहीं है। आमावृत वायु में आप ये चिकित्सा नहीं करेंगे, हेतु विपरीत चिकित्सा नहीं करेंगे, हेतु विपरीतार्थकारी चिकित्सा भी नहीं करेंगे और व्याधि विपरीतार्थकारी चिकित्सा भी वहां पर नहीं करेंगे। पहले क्या करोगे? शुद्ध वायु की चिकित्सा, अन्य चिकित्सा नहीं करोगे आप, अन्य दोष की शुद्ध में आप शुद्ध की करोगे। और यदि श्लेष्मावृत है, अमावृत है, तो वायु की तदर्थकारी, वायु की विपरीतार्थकारी वायु की चिकित्सा नहीं करेंगे आप, अन्य दोषों की करोगी जो वायु को कुपित कर रहा है। इसलिए अधिकरण समझना आवश्यक है, अध्याय का अधिकरण। यह अधिकरण शुद्ध वात व्याधि का है, श्लोक क्रमांक 18, श्लोक क्रमांक 16, कौन सा चल रहा है, 16 ही चल रहा है ना, हाँ, श्लोक क्रमांक 13। ये शुद्ध वात व्याधि का नानात्मज व्याधि का है। अब मैं दूसरा उदाहरण बताता हूँ आपको। चरक चिकित्सा स्थान में अध्याय 27, श्लोक नंबर 16, वात संघ की भी चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 27 श्लोक क्रमांक 16, वात शंकी भी अज्ञानात तस्य स्नेहनात पुनः पादयोः सजनम सुखी कृच्छ्रात उद्धरणम तथा। अब ये देखो श्लोक है, वात शंकी भी अज्ञानात, ये कुशल नहीं है, इसको वायु की शंका आ गई है, सुप्ति है, शोथ है, शूल है, स्तंभ है, शंका वायु की आ गई है, लेकिन ये अज्ञानी है। क्यों? इसने हेतु देखे नहीं। ये क्या करता है? स्नेहन करता है, अनुवासन वस्तु देता है, स्नेह देके स्वेद देता है, मधुर अम्ल लवण देता है। वो क्या करता है? पुनः व्याधि में जो लक्षण है, सदन सुप्ति कृच्छ्रात उद्धरणम, ये बढ़ जाते हैं। क्यों? कुशल नहीं है, उसको समझ भी नहीं आया, वात व्याधि है, शूल संग स्तंभ है, गौरव है, सुप्ति है, जागरण भी है, लेकिन विरुद्धाशन भी है, अध्यशन भी है। अब ये व्याधि स्वतंत्र वायु का नहीं है, वायु का है, लेकिन ये अज्ञान व चिकित्सा यदि करोगे, इसलिए कुशल शब्द का प्रयोग किया वहां पर, कुशलाहा अध्यवश्यंती। ये बहुत जरूरी समझना है। अब देखिए सिद्धि स्थान अध्याय 1, श्लोक नंबर 58, 58, 59, 57, 58, 59। चरक सिद्धि स्थान अध्याय 1 श्लोक नंबर 57, मेध कफाभ्याम
अनिलो निरुद्ध शूलांग सुप्तिश श्वयथुन करोति स्नेहम तु युञ्जये युञ्जन न बुधस् न युञ्जन स्नेहनम तु युञ्जन न बुधस्तु तस्मै संवर्धयेत एवं हि तान विकारान रोगा बस, इतना काफी है, बाद में पढ़ो, पहले इसको समझने का प्रयास करेंगे, हमें चरक पढ़ना भी सीखना है। तो अब ये वायु है निरुद्ध है, किससे निरुद्ध है, अनिलहा निरुद्ध, अनिल यानी वायु, प्रथमा निरुद्ध नी अधिक रुद्ध धातु का पास्ट पार्टिसिपल रुद्ध रुद्ध अवरुद्ध हुआ है, अनिल अवरुद्ध है किससे, मेद कफाभ्याम, मेद से कफ से। अब ये रक्त से भी हो सकता है, आमों से भी हो सकता है, आम रस से भी हो सकता है, और स्थानानुरूप लिंग कर सकता है, क्या क्या लिंग होंगे, प्रायः प्रायः शूल होगा, सुप्ति होगी, स्तंभ होगा, शोथ होगा। अब यहां पर क्या हुआ, शूल देखा, वातावरी है, इसलिए ग्रंथकार कह रहे हैं स्नेहम, स्नेह शब्द की द्वितीय एक वचन है, नपुंसक लिंग है। युञ्जन, युञ्जन ये युज धातु है, युञ्जन, और इसका जो सामान्य रूप है युञ्जति, युञ्जन्ति, इसमें से ती निकाल दिया, युञ्जन्ति निकाल दिया, ती निकाल दिया, वहां पर हलंत न लगा दिया, तो शब्द बन गया युञ्जन। युञ्जन ये युज धातु का प्रयोग करना इस अर्थ का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी अब स्नेहन युञ्जन, स्नेहन का प्रयोग करता हुआ वैद्य, स्नेहन तो युञ्जन क्या करता है, युञ्जन संवर्धयति एव, संवर्धयति एव तान विकारान, इन विकारों को बढ़ाता ही है, क्यों, अब बीच में शब्द है युञ्जन के, युञ्जन का न अपने निकाल दिया तो न बुधा शब्द है, तो यहां पर युञ्जन का द्वित्व होता है, वो ओ है, तो युञ्जन अबुधा, मूर्ख अकुशल व्यक्ति क्या करता है, युञ्जन अबुधा तस्मै संवर्धयति एव, तस्मै सप्तमी है, व्याधि में लक्षणों को बढ़ाता मात्र है, क्यों, कुशल नहीं है, उसको दोष निर्णय हेतु निर्णय करना नहीं आ रहा है। अब यहां पर दो बताए, मेद और कफ, मैंने और भी कहे, मैंने रस भी कहा, आमरस भी कहा, रक्त भी कहा, और भी कुछ हो सकते हैं, तो आगे ग्रंथकार लिखते हैं रोगास तथा नेपि अवितर्कमाणा परस्परेण अवगृत मार्गा संदूषिता धातु विरेव चान्ये, अन्य धातुओं से भी यदि वो अवरुद्ध हो गया तो यही लक्षण होने वाले हैं, और वहां पर यदि आप स्नेहन 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 अभ्यंग 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 बस्ती 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 करोगे तो आप गलती करोगे। और आगे क्या लिखते हैं, आगे का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, ये व्याधि जो आवरण जन्य है वात व्याधि, ये अपनी चिकित्सा से ठीक नहीं होता, स्वयं ही भेषज ही न उपशमम व्रजंती, स्वयं ही यानी अपना अपनी चिकित्सा, मधुर अम्ल लवण स्नेह अभ्यंग बस्ती नस्य,
इत्यादि, इनसे ठीक नहीं होगा। भेषज ही तृतीया स्वयं ही तृतीया एक वचन न नहीं उपशमम व्रजंती, उपशम होता नहीं है, इसलिए अध्याय 20 में शुद्ध वात व्याधि की चिकित्सा ये अधिकरण है। अधिकरण शुद्ध वात व्याधि है, अन्य नहीं है। कुशल हो तो ये करो, कुशल नहीं है तो किसी का सहकार्य लो। और पहले आवरण करने वालों की चिकित्सा करो और उसके बाद फिर विद्धे अग्नौ परिपक्वे दोषे, विद्धे अग्नौ लंघिते च, अब फिर आप आपकी चिकित्सा शुद्ध वायु की शुरू करो, तब तक नहीं करोगे। यह अधिकरण है, यानी ये जो बताया है स्नेह स्वेद अनुवासन नस्त कर्म भोजन अभ्यंग उत्सादन परिषेकादि वातहरैहि, यानी स्निग्ध अम्ल लवण गुरु इन द्रव्यों से आप चिकित्सा नहीं करोगे, चिकित्सा करोगे किसकी, शुद्ध वात की। और यदि यह आवरण जन्य है तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रोगी ठीक होने वाला नहीं है, इसलिए वातहरैर वातहर द्रव्यों से चिकित्सा शुद्ध वात व्याधि में करनी है। वो कैसी करनी है, मात्रा वस्तु कितना देना है, मात्रा कितनी देना है, काल कौन सा है, काल के अनुकूल वस्तु देना है, उष्मा ऋतु है और आप लवण अधिक डाल रहे हो या गोमूत्र डाल रहे हो नहीं चलेगा, शीत ऋतु है आप ठंडा वस्तु दे रहे हो लवण नहीं डाल रहे हो नहीं चलेगा, इस प्रकार मात्रा कालम च प्रमाणीकृत्य आस्थापन अनुवासनम दद्यात्, या ऊपर की चिकित्सा करो, मधुराम्ल लवण चिकित्सा करो। अब इतना कहने के बाद शुद्ध वात व्याधि में ग्रंथकार कहते हैं तत्र आस्थापन अनुवासनम तु खलु सर्वत्र उपक्रमेभ्यो वाते प्रधानतमं मन्यते विषयाः। ग्रंथकर्ता कह रहे हैं तत्र, यानी शुद्ध वात हतमे परिपक्व दोषों में निरामावस्था में संसर्ग संसुष्ट वायु के दोष शांत हो गए, संसर्जन करने वाले संसर्ग करने वाले दोष शांत हो गए हैं, आवरण करने वाले शांत हो गए हैं, ऐसी अवस्था यदि उत्पन्न है तो ये निश्चित करना है कि अवस्था शुद्ध वायु की आ गई है, प्रमाणीकृत निश्चित कर देना है। क्या करना है फिर, पक्वा आस्थापन अनुवासनम सर्वत्र उपक्रमेभ्य वाते प्रधानतम, अब यहां पर उपक्रमेभ्य शब्द है, विसर्ग का वो हो गया, रामात रामाभ्याम रामेभ्य पंचमी बहुवचन, सर्वत्र उपक्रमे सभी उपक्रमों में ये बस्ती श्रेष्ठ है, सर्वत्र सर्वत्र का अभिप्राय शुद्ध वात जमे, आवरण में नहीं, आमज में नहीं, पहले हेतु बन करो, आवरण दूर करो फिर बस चलो।
विषया मन्यन्ते वैद्य मानते हैं और विषया मन्यन्ते इसका अर्थ हम लोग जो इस ग्रंथ की रचना शास्त्र की रचना कर रहे हैं वे सभी ऋषि ये ऐसा मानते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है इसलिए इस मत का खंडन नहीं करते हैं। इसको कहते हैं अनुमत तंत्र युक्ति। वैद्य लोग मानते हैं मैं खंडन नहीं करता हूं इसका अर्थ मैं भी मानता हूं, मेरा भी अनुभव यही है। अब यहां पर आगे जाकर एक बहुत ही बड़ा सिद्धांत बता रहे हैं वो समझना जरूरी है। मैं प्रयास करता हूं समझाने का, समझो। देखिए तद ही आदितः, ये संधि है तद और ही और द का मिलकर ध्य बन गया, संस्कृत का नियम है तो थ द ध है ना, द के बाद ध आता है तो वो ध का प्रयोग पर तद का ह मिलने के बाद धि बन जाता है। तद ही और आ अलग रहता है, वो भी इसमें मिला हुआ है। आदितः यानी सबसे पहले क्या करता है, पक्वाशयम अनुप्रविश्य, पक्वाशयम द्वितीय एकवचन कर्म है, अनु प्रविश्य, अनुप्रविश्य ने बस्ती देना प्रारंभ किया, जैसे बस्ती में आप दबाव डालेंगे वैसे धीरे धीरे ये प्रवेश करेगा, पश्चात बस्ती पीड़न करोगे तो ये तेल अंदर अंदर जाएगा। अनुप्रविश्य, प्रविश्य ये विष धातु को प्र उपसर्ग लगा है इसलिए विष धातु का य लगाकर लेबंत बना है। लेबंत ये पूर्वकालवाचक है, एक काम करते हुए दूसरा काम करना, भोजन करके सोना। तो यहां पर कृद ये लेबंत या त्वंत प्रयोग कहता है, तो ये पूर्वकालवाचक धातु साधित है। प्रविश्य प्रवेश करता है पहले कहां पर, पक्वाशय में, और क्या करता है, केवलम वैकारिकम वात मूलम छिनत्य। यहां केवल शब्द महत्व का है, केवल शब्द महत्व का है, यह अवधारणा तंत्र युक्ति है। व्यापकता बताता है चिकित्सा की, केवल संपूर्ण, केवल यानी संपूर्ण पूरे शरीर के, शरीर में जितना भी रौक्ष पारुष्य वैशद्य खरत्व आया है, लघुत्व आया है, केवलम वैकारिकम मूलम, वैकारिक मूल कौन सा है, यहां पर वैकारिक मूल व्याधि करने का मूल कारण जो बना है वो शरीर के धातु रुक्ष पुरुष विशद लघु शीत खर सूक्ष्म सुशीर बने हैं, ये मूल ही नष्ट कर दो अब धातु कहां रुकेंगे, अब दोष कहां रुकेंगे, रक्त कहां रुकेगा, इनको सब कुछ निकाल दो, अवरोध निकाल दो और स्निग्ध श्लक्ष्ण उपचय उष्ण विस्तारित कर दो, पूर्ण कर दो इनका भी, जितने भी छेदे भर डालो, मात्रा में भरो, ज्यादा भरोगे तो अवरोध करेगा। ये बस्ती केवल शरीर में जितने जगह पर है, क्योंकि हेतु तो आप कर रहे हो तो एक जगह तो काम नहीं करेगा, वो पूरे शरीर में काम करता है, तो जहां जहां वात क्षेत्र है वहां वहां पर ये
रौक्ष पारुष्य वैश्यद्य लाघव शैत्य सुशीलता आदि गुणों की निर्मित यदि करता है तो ये व्याधि का मूल बन जाता है। और ये पहले कुस्ति क्या करता है तो इन मूल को नष्ट करता है, यानी धातुओं में जो रुक्षता आई है उसको स्निग्ध बनाता है, धातुओं में जो खरता आई है उसको श्लक्ष्य बनाता है, धातुओं में जो संकोच शीत कारण संकोच हुआ है वो उसको विकसित करता है, जो छेद उसमें छिद्र सुशीलता आई है उसका पूरण करके उसको सुसंगठित बनता है। और ऐसे शरीर में फिर रुके हुए दोषों के अणु जो रुके हुए वो अपने आप निकल जाते हैं और रास्ता खुला हो जाता है। अब अवरोध पुनः किसी की करने की हिम्मत नहीं होती। वैकारिक मूलम छिन्नत्य आदितः, पहले क्या करता है, ये वैकारिक मूल है, कौन सा, धातुओं में रुक्षादि गुणों की वृद्धि होकर जगह जगह अवरोध करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है, ये वैकारिक मूल नष्ट करता है आजितः। और वो करने के बाद क्या होता है, तत्र अवजिते वाते, यानी शरीर में जो पहला पहला वात प्रकोप हुआ है रुक्षादि गुणों का निर्माण, और उसके बाद उस स्रोत से बहने वाले दोषों का स्थान संश्रय, उनका उपचय, ये सब निकल जाता है अपने आप, ये निकल, और ये इसी को कहते हैं वायु का अवजय। और ये वायु का अवजय करने से होता क्या है, शरीर अंतर्गता, शरीर में हुए होने वाले हैं ऐसे सभी वात विकार नष्ट होते हैं और होना बंद हो जाता है। इस प्रकार शुद्ध वात जनानात्मज की चिकित्सा का यह अधिकरण है। अब यहां पर आपके मन में आया प्रश्न, आया क्या बस्ती यहां से पकवाशे से काम करता है, हाँ, वामाशये च ग्रहणी गुदे च, ग्रहणी और गुद ये वामाशय में है। अब यहां पर गुद शब्द से पकवाशय का डावा भाग बाया भाग जिसमें पहले बस्ती प्रवेश करेगा और वहीं पर ग्रहणी है। ये ग्रहणी शब्द पाणिनियम का है, जो ग्रहण करता है स्वीकार करता है उसको ग्राहक या ग्रहणी माना जाता है। स्त्रीलिंग हो तो ग्रहणी कहते हैं, पुल्लिंग हो तो ग्राहक कहते हैं। ये ग्रहणी से अन्न मोष नहीं अपेक्षित है, ये ग्रहणी से औषध स्वीकार करने वाला श्रोतस जो पक्वाशय में स्थित है वामतः स्थित है, वहां से ये द्रव्य बस्ती द्रव्य शोषित होते हैं अपने व्यवायी विकासी प्रमाथी स्निग्ध गुणों से, मधु स्नेह अनुप्रवण भाव से प्रवेश करता है, स्नेह विकासी भाव से प्रवेश करता है, लवण प्रमाथी भाव से स्रोत को खुला करता है और बलात् उनको प्रवेश करवाता है, मधु सूक्ष्मत्वात् सर्वत्र जाने वाला है और उसके साथ फिर जो अपने औषधियां दिए हैं उनका प्रवेश भी होने लगता है और ये पूरे शरीर में जाता है और आपाद तल मूर्धस्थ सभी वात प्रकोप को पहले शांत करता है। और जब वो शांत हो जाता है तो वहां पर अन्य दोषों के परमाणु रुकने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, संभव ही नहीं होता। इसलिए आदितः वैकारिकं मूलं चिनत्ति।
और उपमा दृष्टांत दिया है। दृष्टांत ये तंत्र युक्ति है, क्या दृष्टांत दिया है? वनस्पति मूल छिन्ने, वनस्पति का मूल आप काट डालो तो स्कंध शाखा प्ररोह कुसुम फल पलाशादि नियतो विनाशम, ये नष्ट हो जाते हैं। यदि आप शरीर स्निग्ध कर दोगे तो रस धातु के बहने वाले वात श्लेष्मा पित्त धातु ये रुकने का प्रश्न ही नहीं आता। इसलिए ये पूरी चिकित्सा का अधिकरण इस सूत्र में 13 में क्या है? अधिकरण शुद्ध वात व्याधि। आज यही रुकेंगे, अगला विषय अगले दिन देंगे। कुछ प्रश्न है तो पूछिए। आत्मजविकार बताए थे तमः च ब्रह्मः च, तो हमें ये समझना चाहिए कि इसमें जो तम और ब्रह्म दिखा लिखा है वो केवल और केवल वात से ही होता है। ये अगले जब पित्त के आएंगे विषय आएगा ना तब बताऊंगा मैं, पैतृक व्याधि में बताऊंगा। अच्छा सर, अच्छा थैंक यू। और किसी का कुछ सवाल होगा तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो, नहीं तो चैट बॉक्स में लिख के भी आप पूछ सकते हो। प्रणाम सर। प्रणाम सर। जैसे पित्त और कफ को पंगु कहा गया है तो हर व्याधि में वात के द्वारा ही दोष इधर से उधर जाते हैं शरीर में। हाँ। तो वात वात हर दोष में हर व्याधि में इन्वॉल्व रहता है, तो सर उसकी चिकित्सा को कैसे लेंगे? देखिए यस, ग्रहणी के अध्याय में हाँ जी सर एक श्लोक है, व्यानेन रसधातुर ही विक्षेपोचित कर्मणा युगपत सर्वतोजश्रम देहे विक्षिप्यते सदा। इस श्लोक जो श्लोक है कि व्यान वायु के द्वारा पूरे शरीर में रस धातु और उसके साथ दोष और अन्य धातु जो प्रवाहन में है प्रवाह में इनका विक्षेपण प्राकृत रूप में होता है। ये यहाँ पर वायु विकृत नहीं है और ये व्यान वायु के द्वारा विक्षेपित द्रव्य जहां जहां रुक्षादि गुणों की निर्मित है वहां रुकते हैं, वो हमें शांत करना है। इसको कुछ नहीं करना है, ये अपना काम कर रहा है। अब यहां काम करते समय जैसे स्कूल में पढ़ रहे हो, पढ़ाने वाला तो अपना प्राकृत काम कर रहा है लेकिन सुनने वाला गलत सुन रहा है या सुन ही नहीं रहा तो फेल होगा। यानी पढ़ाने वाला गलत नहीं है, पढ़ने वाला गलत है, यानी वो दोष है। जो पढ़ता है वो प्राकृत है, जो पढ़ता नहीं वो दोषी है। उसी प्रकार दोष व्यान वायु फेंकता है दोषों को। अब ये दोष कुपित है, पित्त वृद्ध है, पित्त श्लेष्मा वृद्ध है, साम है, निराम है, ये दोष उनका है, व्यान वायु का नहीं है। ओके सर, धन्यवाद सर। सर और एक सवाल था, इधर लिखा है कि अगर कफ ने वायु को आवृत्त किया है तो आवरण हमें पहले समझना होगा, तो आवरण कैसे समझना है, ऐसा सवाल है। वो आवरण में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। ओके ओके सर। सर हो गए सवाल आज के। एक
कुछ तो आया है, देख तो नहीं। ओके हो गए इसका। सर आपने बताया पित्त के विकारों में, लेकिन वो वात अशीति वात विकारों का नानात्मज बताया है तम और भ्रम, तो उसको बोलो बोलो। जो अशीति वात विकार बताए है ना नानात्मज, उसमें सर तमह च भ्रम च विपतु भ्रम जुरुम्भा वो सब बताया ना, तो तम और भ्रम स्वतंत्र वात प्रकोप के ही यहाँ पे समझने हैं, ऐसा मेरा सवाल है। मतलब उसमें पित्त के विकार में नहीं हाँ उसको लिखा है। नहीं, उसमें सब ये जो वर्णन है कि हाँ चरक सूत्र स्थान अध्याय 24 में, वहां पर भी भ्रमोत्तम पित्त विकार में वात विकार में आता है, लेकिन ये अच्छा वातज है वातज, लेकिन ये वात प्रकोप परतंत्र है। भ्रम अच्छा तमो ये वातज है, लेकिन ये परतंत्र है, जहाँ हाँ श्लेष्मा से पित्त से होता है, आमदोष से होता है, वहां पर वो परतंत्र वात प्रकोप से होता और है। यहाँ और जो 11वें श्लोक हाँ में जो बताया है वो स्वतंत्र है। हाँ धातु क्षय हुआ, आपको भ्रम भी हाँ आएगा तम भी आएगा, ये भी स्वतंत्र है, आएगा। ये हाँ स्वतंत्र है। रक्त अच्छा क्षय हुआ, हाँ आपको ये अंधकार आएगा, चक्कर आएगा, ये धातु क्षय जन्य स्वतंत्र। स्वतंत्र है। जो यदि श्लेष्मा से श्रोत अवरुद्ध हुआ है तो आपको तो चक्कर आएगी, परतंत्र आप गिर जाओ, आप गिर जाओगे। हाँ यहाँ पोषण पोषण में अवरोध निर्माण श्लेष्मा ने किया है, हाँ पित्त ने किया हाँ है, बराबर इतने वेसल वेसल डायलेट कर दिया, अकस्मात एओर्टा एकदम डायलेट हो गया, हाँ तो ये पित्त हाँ का यदि ये पित्त का कारण कारण हुआ है तो ये ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं करेगा, धातु बराबर क्षय हो गया ये बात। लेकिन उसका मूल कारण पित्त के बराबर कारण श्रोतसों का विकास है। इस प्रकार हाँ आवरण में, आवरण किसी ने आवरण का हाँ पूछा था, मैं इन हाँ शॉर्ट बता रहा बराबर हूँ, इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि जहां पर आवरण है वहां पर आवरण करने वाले के हेतु मिलते हैं, बलवान हेतु उसके मिलते हैं। यदि रक्त से आवरण हुआ है तो आपको रक्त प्रदोष व्याधि का इतिहास मिलना चाहिए, यदि मेधावृत है तो आपको मेध प्रदोष व्याधि के पूर्व रूप मिलने चाहिए, हेतु और पूर्व रूप मिलने चाहिए। व्यक्ति यदि मांसव दृष्टि के है तो आपको हेतु मांसव वृद्धि के और मांसव दुष्ट होने के हेतु लक्षण मिलने चाहिए। इस आधार पर आप निर्णय कर सकते हैं कि यह आवरण जन्य है, मेधावृत है, मांसावृत है, श्लेष्मावृत है, अमावृत है, उसके हेतु मिलने चाहिए आपको, अजीर्ण के हेतु मिलने चाहिए, संतर्पण के हेतु मिलने चाहिए, और लक्षण फिर लक्षण मिलने चाहिए दृष्टि के, रस दृष्टि के, रक्त दृष्टि के, मांस दृष्टि के, मेद दृष्टि के, अमावस्था के, ये लक्षण के साथ यदि शूल है तो आवरण जन्य है। समझ गए? थैंक यू। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सर, सर अगर किसी किसी रोगी के अंदर याप्य व्याधि है पहले से और उसके अंदर विकार उत्पन्न हो जाता है तो उस कंडीशन में हम चिकित्सा कैसे करेंगे? याप्य व्याधि है, व्याधि याप्य है, बल अच्छा है तो आप कुछ कर सकते हो, और बल जब तक अच्छा नहीं है, जो भोजन नहीं कर सकता है उसमें कठिन है, उसमें आपको धीरे धीरे अग्नि बढ़ाना पड़ेगा, रोतो रो दूर करना पड़ेगा, और फिर आप भृंगन कर पाओगे, तब तक भृंगन का लाभ नहीं होगा और व्याधि भी ठीक नहीं होगा, इसलिए वो कठिन है, वो कष्ट साध्य में आता है, उसमें प्रयास बहुत करने पड़ते हैं, होता है, होता नहीं ऐसा नहीं होता है, होता है,
लेकिन प्रयास बहुत शांति से पेशेंस के साथ करने पड़ते हैं, गड़बड़ 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 करने से नहीं होता। आज औषधि कल काम होना चाहिए, नहीं होता है। आवरण का होना, अग्नि अच्छा होना, इसके लिए समय लगता ही है, इसलिए वो होता है लेकिन देर लेता है, देरी से होता है। लेकिन एक नियम और है, यदि व्याधि बलवान है तो पहले उसके लक्षण की चिकित्सा करो, ये एक नियम है, उसका उपयोग आप कर सकते हो। बलवंतम उपद्रवम तूर्णम चिकित्सित, इस सूत्र का उपयोग आप कर सकते हो। रिस्क लेकर पहले लक्षण ठीक करेंगे और बाद में भ्रूंगण करेंगे, ऐसा भी आप कर सकते हो। उसमें थोड़ा रिस्क आता है लेकिन करना करना पड़ेगा, कभी कभी परिस्थिति अनुसार आपको ये करना पड़ेगा। पहले थोड़ा थोड़ा भ्रूंगण, फिर पाचन, फिर भ्रूंगण, फिर पाचन, ऐसे करते करते आप उसका बल बढ़ा सकते हैं। और बलवान यदि उपद्रव है तो उसके चिकित्सा बिना कोई विचार किए पहले करनी है, ये निश्चित पक्का ध्यान रखिए, इस पे गलती नहीं करना। समझ गए? धन्यवाद। ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते सर। जो विदग्धा जीर्ण में भी भ्रम और मूर्छा आया है सर, एक पेशेंट था तो उसको अति विदग्ध अन्न सेवन के बाद उसको छर्दी हुई थी और शीत पित्त जैसे पूरे शरीर पर शीत पित्त उठा था और उसको वॉमिटिंग हो गया और बाद में वो मूर्छित हो गया। तो विदग्ध अजीर्ण में तो वमन, मतलब जो बोला है चिकित्सा वमन ही बोला है, तो सर इसमें हम कैसे समझे? उसको तो ऑलरेडी वॉमिटिंग हो गया और वो मूर्छित हो गया, तो इसमें चिकित्सा का विचार कैसे करेंगे और संप्राप्ति भी? इसमें आप जब वहाँ वमन हो चुका है इसका मतलब चिकित्सा हो गई है आधी, अब आपको शमन करना है, लक्षण की निवृत्ति करना है, अब आपको फिर वमन देने की जरूरत नहीं है। आपको अभी शब्द देना है, मुरझाए तो पानी छिड़को, सुलाओ, नस्य दो, गले में थोड़ा सा कुछ डालो धीरे धीरे, आसो वरिष्ठ, या फ्लूइड पिलाओ, नारियल का पानी पिलाओ, ऐसे करो। अब सर ये जो से, मतलब वो संप्राप्ति कैसे होती है सर? वो पूरा ये अध्यक्षण से होती है। रात का खाना जीर्ण नहीं हुआ और सुबह उठ के आप पेट भर के खाना खा लिए, विदग्ध जीर्ण होता ही है, अम्लपित्त होता ही है, और ये हफ्ते में एक बार होता है। हाँ सर, आमविष हाँ, पर हाँ, आमविष जमा होने के लिए एक हफ्ता लगता है, और आमविष जमा हो गया तो ये 8वें दिन में 10वें दिन में आपको एक फटाफट उल्टी हो जाती है। ये विदग्ध जीर्ण रात्रि के भोजन जीर्ण न होने के कारण हुआ है। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 15। हाँ सर। तो उसमें ये आता है, सायमासे अजीर्ण हेतु प्रातराशे अजीर्ण हेतु सायमासे अजीर्ण हेतु प्रातराशो ही दुष्यति। हाँ सर, ये प्रायः ऐसे होता है विदग्ध जीर्ण में, प्रायः अन्य कारण भी होते हैं, गुरु अन्न खाया धूप में घुमा तो भी होता है। थैंक यू सर। ओके। सर एक पेशेंट है सर, सर क्वेश्चन हाँ, बोलो क्या? हाँ बोलो। सर एक पेशेंट है तो सर ऐसे उसका TSH ज्यादा आया है, T3 T4 नॉर्मल है, तो पेशेंट तो सर वो हाइपरथायराइड की है सर, लेकिन उसको सारे सिम्टम्स वात और पित्त के, मतलब हाइपरथायराइड के दिख रहे हैं। वेट लॉस है सर, हेयर ड्राई है, स्किन बहुत ड्राई है सर, और भ्रम होता है सर उसको काफी, तो सर कफ के या हाइपोथायराइड के कोई भी उसको सिम्टम्स नहीं है, पर TSH उसका ज्यादा है, T4 T3 नॉर्मल है, तो सर इसमें कैसे संप्राप्ति लगाएंगे सर? सिम्टम सारे वात और पित्त के हैं सर, पर इसके इसके पहले आप हेतु निकालेंगे,
सुबह से शाम दूसरे दिन सुबह उठने तक वो क्या खाता, क्या पीता, क्या करता, कितना सोता, ये सब देखकर इसमें जो विधि विरहित है, जो विधियुक्त नहीं है, जलपान, दुग्धपान, भोजन, नाश्ता, सोना, व्यायाम करना, घूमना, पानी पीना, फल खाना, ये सब जो विधि विरहित है वो निकाल दो पहले, और उसके आधार पर निर्णय करो कि दोष कौन सा कुपित है और उसकी चिकित्सा करो, तो ये नॉर्मल आ जाता है बड़ा नहीं हुआ सर, सर किसी। वो सर उसका क्या है सर, वो 3 महीने से आ रही है मेरे पास, बट सर उसका ऐसा कुछ भी नहीं है सर। वो सुबह 5:30 बजे उठ जाती है, और सर ना लिवर शॉप है ना सुबह, मतलब ऐसा कुछ नहीं, भी नहीं आपने मिल रहा है आपने सर। आप अपने हेतु कैसे निकाले, पद्धति क्या अवलंबन किया आपने? सर वही जो मैंने दिनचर्या में मैंने मैंने पद्धति हाँ, दी हुई है। वो दिनचर्या की पूरी पद्धति, सुबह से शाम दूसरे दिन सुबह उठे तक वो जो जो काम करता है वो पूछना है। जी सर, आप क्या करते हो, आप क्या करते हो सुबह उठ के, यहां से सर प्रारंभ सुबह करना है। जी जी सर, और इसमें आपको फिर तो रोग का विशेष ध्यान के रखे हुए और विधि की पद्धति को ध्यान के रखे कि प्रश्न पूछना है। जैसे वो पेशेंट कहता है कि मैं सुबह 7 बजे उठ 8 बजे 7:30 बजे उठता हूँ, ठीक है, और उठने के बाद क्या करते हो, चाय पीता हूँ, तो ये नहीं बताएगा कि मैं 2 गिलास पानी पीता हूँ, वो आपको पूछना है। उसके बाद सर वो वो कहता है पेशेंट मैंने तो व्यायाम करने के बाद ही कुछ सर चाय वाय पीता है सर। हाँ, तो इसका अर्थ यह है कि इसके पूर्व काल के दोष संचित हैं। आपको गए अभी का छोड़कर पिछले 2-3 साल के लाइफस्टाइल देखने पड़ेगी, वो क्या है वो देख के आपको निकालना पड़ेगा। एक दूसरा, इसका अग्नि परीक्षण करो, भूख लगना ये अग्नि की परीक्षा नहीं है। विधियुक्त खाया हुआ आहार बिना किसी कष्ट के, बिना किसी तकलीफ के उचित समय में परिणमन हो जाता है, और सायंकाल में अच्छी भूख लगती है, तो अग्नि मंद नहीं है। यदि रोज किरकिर करता है, आज पेट में हवा है, आज हपारा है, आज हवा निकलती नहीं है, आज पेट साफ नहीं हुआ है, सीने में जलन हो रही है, बदन भारी पड़ रहा है, समझ लीजिए कि अग्नि मंद है। तो आपको अग्नि परीक्षण भी करना पड़ेगा, और पिछले जीवन के पिछले 4-5 साल या उसके पहले कुछ गलतियां की है क्या, दोष प्रकोप वहां से प्रारंभ होता है और वो संचित रहता है, और उसको आज के आहार विहार से उसको फिर उसका पोषण होते रहता है, यदि वो बलवान है तो। दुर्बल है तो वो अपने आप नष्ट हो जाएगा, जब नष्ट नहीं होता है इसका मतलब वो बलवान है। जी सर, सर उसके पूर्व काल के ही दोष संचित हैं, क्योंकि अभी तो उसकी अग्नि भी अच्छी है, उसको 6 6:30 बजे अच्छे से भूख लग जाती है, सुबह भी खाना पच जाता है सर। ये कैसे समझा आपने, पच सर ये जाता मैंने है ये, उसे इसके लक्षण लक्षण क्या लिया है? सर मैंने उससे जैसे कि सर उसका ये है कि 8:30 बजे वो नाश्ता कर लेता है, 12 12:30 बजे उसे अच्छी अब भूख ये जो लगती साढ़े है। बारह बजे ना जो 8:30 बजे नाश्ता करता है, रात में कितने बजे खाना खाता है? तो 7 बजे रात में 7 बजे जी क्या जी खाता है, क्या खाता है? सर, रात में तो मोस्टली वो दाल और रोटी खाते हैं सर, मूंग की दाल या मसूर की दाल सर, और दिन में तो दाल सब्जी और रोटी हाँ, अब रात्रि में कितनी रोटी खाता है? सर, कभी एक कभी दो सर। इसका मतलब अग्नि बहुत मंद है, उसका पोषण नहीं हो रहा है। उम्र कितनी है, आयु कितनी है? 40 40 की आयु में 1 और 1.5 रोटी खाना ये आहार हुआ क्या? वो रोटी बहुत बड़ी होती है क्या, 1 किलो की, 50 ग्राम नहीं की, दो सर, सौ ग्राम सी? हाँ, नहीं सर, तो ये कितना कम खा, ये दोषक है, ये वाता प्रकोप का कारण है इतना कम खाना। अल्पाशन,
देखिए चरक सूत्र विमान स्थान अध्याय दो जी सर अल्पाशन अल्पाशन के परिणाम में अलक्ष्म्यावह नाना वात विकार उत्पन्न करता है। विमान दो पेज नंबर 238 238 तत्र श्लोक नंबर 7 तत्र हीन मात्र आहार राशिम तत्र हीन मात्र आहार राशिम हीन मात्र राशिम बल तत्र हीन मात्र आहार राशिम उपचय क्षयकरम अतृप्तिकर उदावर्तकर अनायुष्यम अवृष्यम अरुष्यम अनौजस्यम अनौजस्यम शरीर मन बुद्धि इंद्रिय घातकरम घातकरम सार विधवनम अलक्ष्म्यावहम अशीतेः वात विकाराणाम आयतनम आचक्षते। तो ये अल्पाशन नहीं करना है, इससे अग्निमंद होता है। जी और सर ठीक है सर, मतलब वो अल्प भोजन की वजह से उसका हेतु है ये सब बात। भोजनम 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 हित मात्रम तु न बलोपचय से बहुनाम अत रोगाणाम विकाराय प्रपद्यते। और इसका एक परिणाम उल्टा और होता है, अग्निमंद होता है। अब थोड़ा खाओगे तो पचेगा ना वो जी, और दो रोटी खा रहा तो नहीं पचेगा उसको, एक खाया तो पचेगा। वो कहता है मुझे खाना खाना हजम होता है, कितना खाता है तो एक खाता है। अब 40 की आयु को एक डेढ़ रोटी ये पूर्ति है क्या दिन भर काम करने के बाद? ये विचार करना है। और इसपे भी वो लेडी यह है पुरुष है, वो महिला है स्त्री है, महिला है पुरुष है? सर महिला, महिला है। तो दिन भर काम करना है, थक जाती होंगी और खाना कम खाती होंगी जी सर, तो कैसे होगा? दुर्बल है सर काफी सर। हाँ तो ये आप अल्पाशन अल्पाशन की वजह उसका पेट खराब है इसलिए नहीं खाती है। ज्यादा खाए तो क्या होता है देखो, पूछो उसको ठीक है सर, उसके अग्नि की चिकित्सा करो पहले। ओके सर। भृंगण मत करो, भृंगण से वात वृद्धि और शूल बढ़ेगा, लक्षण बढ़ेंगे। धीरे धीरे अग्नि वृद्धि करो। ओके सर, थैंक यू सर। धन्यवाद सर, आज के सभी सवाल खत्म हुए हैं, तो आज हम यही रुकते